बहुत अच्छी लगी, बहुत ही हार्ड हिटिंग, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सोशली रेलिवेंट और थॉट प्रोवोकिंग मूवी है बाय अनुभव सिन्हा। फिल्म बहुत अच्छा है, फिल्म वाज वेरी गुड, बहुत अच्छी पिक्चर थी। इट वाज रियली हार्ड हिटिंग, इट हैज कवर्ड मोस्ट ऑफ इट, बट यू नो इट डजंट रियली टॉक अबाउट अ सॉल्यूशन, दैट इज समथिंग द यूथ हैज टू पोंडर बाय देमसेल्व्स। द मूवी इज वेरी वेल मेड एंड द एंटायर मूवी इज शॉट इन लाइक अ रियली डार्क सेटिंग, सो आई थिंक दैट टॉक्स अ लॉट अबाउट द केओस दैट इज प्रेजेंट इन द कंट्री। आई थिंक इट्स वेरी नाइस मूवी, बहुत अच्छी फिल्म है। अनुभव सिन्हा बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट स्क्रिप्ट, बेस्ट एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छे बढ़िया है। फिल्म अच्छी, इट वाज सीरियस एंड स्टफ, इट वाज गुड, आई लाइक्ड इट। इमोशनल मतलब हो गया ना कि आंखों में आंसू आ गए थे, बहुत अच्छी फिल्म है, एक लाइन में ये कहना चाहते हैं। आर्टिकल 15 बहुत ही अच्छी फिल्म है, लाइक वो जो पोर्ट्रे करना चाह रहे थे लाइक कास्टिज्म एंड ऑल, उसके ऊपर इट्स वेरी गुड, लाइक वो हम तक मैसेज पहुंच चुका है लाइक सोशल मीडिया तक जो पहुंचाना चाहिए था। बहुत अच्छे है, आयुष्मान खुराना के साथ जो सह कलाकार हैं कुमोद मिश्रा, मनोज पावा और ईशा तलवार की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, शायनी गुप्ता, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड, एक्टिंग बहुत बढ़िया की है। आयुष्मान खुराना ने बहुत अच्छा काम किया है, एक्टिंग वाइज दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब, एक्टर्स वर फैबुलस, द एक्टिंग वाज वेरी रियली गुड, लाइक एक्टिंग आयुष्मान खुराना इज वेरी नाइस एंड ऑल अदर एक्टर्स लाइक देयर वर मेनी कैरेक्टर्स सो बहुत अच्छे हैं। एक्टिंग नो डाउट, एक्टिंग ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, सबका बहुत परफॉर्मेंस एकदम सुपर एक्टिंग और जितने लोग थे बहुत ही नेचुरल तरीके से एक्टिंग किया है। स्टोरी वो बताना चाहते थे वो बता पाए, आप तक पहुंचा पाए? हाँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है, ये जो स्टिग्मा हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, तो बहुत बहुत लोगों को देखनी चाहिए मूवी। इक्वालिटी डिस्क्रिमिनेशन इसी के बारे में बात करना था, तो अच्छी तरीके से उन्होंने कन्वे किया है। या बहुत अच्छे से, आयुष्मान खुराना बहुत अच्छा है मूवी में। हाँ, जहाँ तक फिल्म कन्वे है, लेकिन मुझे जो एंडिंग है वो एंडिंग मुझे प्रॉपर नहीं लगा, उसका और क्लियरिफाई करना चाहिए था कि होता क्या है एक्चुअली। हाँ, इट वाज अबाउट लाइक हाउ रिलीजन एंड कास्ट अफेक्ट पीपल, पीपल आर डाइंग नॉट इवन इन विलेजेस इन मुंबई, वी हाउ वी डिस्क्रिमिनेट आवर मेड्स एंड पर्सन हु इज स्वीपिंग द रोड, वी डोंट टच देम एंड स्टफ, सो इट कन्वेज दैट इन विलेजेस पीपल आर डाइंग ड्यू टू इट। बेसिकली इनका जो टाइटल है अपर क्लाइंग है, तो बेसिकली हाँ वो फिल्म टच करेगी आपको, वो मैसेज जो कन्वे करना चाह रहे थे वो अच्छे से कन्वे किया है, तो वो फर्क लाएंगे। या ऑब्वियसली द कास्टिज्म का जो मैसेज वो पहुंचाना चाह रहे थे और सोशल अफेयर्स के बारे में, इट्स गुड, इट्स गुड। क्या लगता है फर्क आएगा? फर्क हाँ 100% फर्क तो आएगा ही आएगा, मैं तो हम लोग तो मजाक में कहते ही भी हैं कि यार ये तो होता ना कि ये दलित है ऐसा वैसा, हम लोग चाहते हैं तो खैर हम लोग ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेंटालिटी बदलनी चाहिए बेसिकली, और वो कोशिश की है फिल्म में। आई थिंक लाइक हमारे यूथ में तो अभी आना चाहिए, आई थिंक लाइक जो यूथ चल रहा है अभी उस हिसाब से आफ्टर लाइक वी नीड मोर सच मूवीज, हमें ऐसी मूवीज और चाहिए और आना चाहिए, यूथ को ऐसे मूवीज देख के ऐसा फ़र्क आना चाहिए। डायरेक्शन सुपर सुपर सुपर, मुल्क इसके पहले मुल्क उन्होंने बनाई थी, लेकिन इसके बाद तो समझ लीजिए जो भी उनकी फिल्म आएगी तो देखना पड़ेगा। डायरेक्शन वॉज टू गुड, अनुभव सिन्हा को बहुत अच्छा डायरेक्शन है। 4 4 3.5 It's 5 out of 5 4 because no solution 4 stars 4 4 point I would say 5 3.54 पूरे मिलने चाहिए 5 5 में से आई गिव 4.5